नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आज का नया पाठ हमारा शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, कक्षा 10 का भूगोल की पुस्तक का पाठ हमारा है। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। साथ में हम इसमें जानेंगे हमारे संचार के साधनों के बारे में। तो बच्चों, आइए हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करना पड़ता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधाएं एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों, इस चित्र को देखें। परिवहन के साधन दिखाए गए हैं। स्थल परिवहन में आता है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल में आता है आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवा, जिसमें आती है सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो हमारे पास परिवहन के कितने साधन हैं। 3 मुख्य साधन हैं और उनके अंतर्गत अन्य साधन हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसके आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे परिवहन में सबसे पहला स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश में से एक है। ये सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। प्रथम, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। चौथा, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। अगला, ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अगला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती हैं। बच्चों, जैसे पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश व उत्तर पूर्वी राज्यों व राजस्थान के मरुस्थली इलाकों में सड़कें बनाई गई हैं। बच्चों, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को मानचित्र में देख सकते हैं आप। इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहा जाता है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम, उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बच्चों, मानचित्र में आप देख सकते हैं। द्वितीय, जो
पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे अंग्रेजी में हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिमी दिशा में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। रखरखाव की सुविधा के लिए इसे अब दो भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता के मध्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषताएं, बच्चों ये सड़कें देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है, इसीलिए इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा है। अगला है हमारा राज्य राजमार्ग, जिसे अंग्रेजी में स्टेट हाईवेज कहते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। अगला है जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। बच्चों जैसे मोहाली जिले को रूपनगर जिले से पंजाब में जोड़ती हैं जिला सड़कें, उसी प्रकार आपके राज्य में भी किसी जिले को किसी दूसरे जिले से जोड़ती हैं। ये सड़कें जिले के प्रमुख शहरों और नगरों को आपस में जोड़ती हैं। तो बच्चों आप देखिए मानचित्र में, इसमें हमारी स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिमी गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित दर्शाए गए हैं। अगला आता हमारे अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को दूसरे प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अगली है हमारी सीमांत सड़कें। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। ये संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता हुई है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर सड़कों को हमने कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये बारहमासी सड़कें होती हैं। ये 12 महीने बच्चों काम करती हैं, जबकि कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो चित्र में, पहाड़ी रास्तों पर सड़कें बनाना कितना कठिन कार्य है। और दूसरा चित्र देखो 7.4, यह उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात बताता है, जो कि सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क है। तो बच्चों ये थे हमारा सड़क मार्ग। अब हम पढ़ेंगे हमारा रेल परिवहन व रेल मार्ग के बारे में। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। बच्चों भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, मतलब संसार के किसी भी देश में भारतीय रेल परिवहन जैसा सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। अन्य देशों में ये निजी क्षेत्र में आता है, पर भारत में रेल परिवहन हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
हमारे देश में बच्चों पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। बच्चों, भारतीय रेल परिवहन के 16 रेल प्रखंड हैं। बच्चों, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। कुछ वर्षों पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धसना। बच्चों, आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। तो आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले साधन की, वह है पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। बच्चों, देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल है। पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दूसरा जाल है गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा जाल है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। बच्चों, आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और आप उसके उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। पहला प्रश्न, परिवहन के साधन किसे कहते हैं? उत्तर, जो साधन यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं? उत्तर है सड़कें, रेलें, नावें, समुद्री जहाज और हवाई जहाज। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर है भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। अगला प्रश्न, देश की सबसे लंबी पाइपलाइन कौन सी है और इसका क्या महत्व है? उत्तर है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है। अगला प्रश्न, भारत में कच्ची सड़कों का क्या महत्व है? उत्तर, भारत में कच्ची सड़कों का महत्व मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। इन सड़कों पर प्रायः बैलगाड़ियों द्वारा माल ढोया जाता है। इनके द्वारा छोटी दूरियों की यात्रा होती है। अगला प्रश्न, आजकल रेल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, रेलें सबसे अधिक संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। दूसरा, रेल प्रतिवर्ष भारी मात्रा में खाद्यान्नों और उर्वरकों की ढुलाई करती है। रेल कोयले, खनिज तेल और खनिज अयस्क की लंबी दूरी तक ढुलाई करती है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्ग
से जोड़े जाने वाले नगरों के नाम बताइए। उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग में अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय स्तर के महत्व का होता है। राज्य महामार्ग एक राज्य स्तर के महत्व का होता है। राष्ट्रीय महामार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। राज्य महामार्ग एक राज्य के जिलों व मुख्य नगरों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग देश के विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में बांधने एवं निकट लाने के प्रमुख ट्रंक मार्ग होते हैं। राज्य महामार्ग उस राज्य के प्रमुख नगरों व जिलों को आपस में जोड़ते हैं एवं निकट ले आते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण, देखरेख, रखरखाव पर केंद्रीय सरकार का दायित्व होता है। राज्य महामार्ग के निर्माण, देखभाल एवं रखरखाव पर राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको हमारा पाठ समझ आया होगा और हमारे परिवहन के साधनों के लाभ व हानि का आपको ज्ञान हो गया होगा। तो बच्चों, ये था हमारा भाग एक। अब हम मिलेंगे भाग दो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।